हिसाब से हम काम नहीं कर पाते, शादी ब्याह और फंक्शन वगैरह नहीं कर पाते, अल्टीमेट वो हिंदू जो है रिलीजन हम पे थोप दिया जाता है। सर उस समय यूनिफॉर्म सिविल कोड सुप्रीम कोर्ट में कंस्टिट्यूशन अमेंडमेंट मैटर चल रहा था, तो मेरे पास एक डीटी वरुण साहब हैं, आईएएस रिटायर्ड है, सीनियर आईएएस 90 ईयर हो गया है, तो उन्होंने कहा सर मैं एक बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ के लिए पिटीशन फाइल करनी है। मैं कहा ठीक साहब कागज वगैरह ले आए हो, क्योंकि मैं इसी बात बता रहा हूँ कि हमें संविधान के दायरे में रहकर ही कोई भी कार्य करना है, हमें संविधान के बाहर कुछ नहीं करना है, यदि हम करते हैं तो हम संविधान के खिलाफ कार्य करते हैं, तो हम बाबा साहब के प्रति जो है श्रद्धा जो रखते हैं वो नहीं रखना। तो अब देखो हमें मैं बताऊँ आप हमें हमेशा लड़ाई लड़नी नहीं है, हमें बहुत स्मार्ट और क्लेवर करना है, बहुत सारे तरीके हैं उसके लिए। इसका एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ, साहब ने कहा कि वो हिंदू पार्टनरशिप है, वो हमने पिटीशन डाली, मैंने पिटीशन डाली बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ के लिए, मैटर गया जज साहब का, जज साहब ने कहा भाई फाइल रिट पिटीशन, मैंने यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑलरेडी पेंडिंग फॉर दिस कोर्ट। हमने कहा साहब हम आपके पास सिर्फ हम आए हैं कि हमारी प्रेजेंटेशन है, डिसाइड कर दो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, बल्कि अल्टीमेट जो लॉ बनाने का काम है पार्लियामेंट का है, सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। हमने कहा साहब हम आपके सिर्फ इसलिए आए हैं कि हमारा जो एप्लीकेशन हमने रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रखा है, आप उनको डायरेक्ट करो कि वो हमारे रिप्रेजेंटेशन एटलीस्ट डिसाइड तो करें, 3 साल से पेंडिंग पड़ा है। कोर्ट ने देखा कि अच्छा कुछ ज़्यादा कुछ रिलीफ नहीं है, जबकि कोर्ट को नहीं देना चाहिए था, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड पेंडिंग था मैटर, तो कोर्ट को नहीं देना चाहिए था, बट हमने अपने तरीके से काम किया, हमें अपना काम निकालना था। कोर्ट से हमने डायरेक्शन ले लिया कि विद इन 6 मंथ ये रिप्रेजेंटेशन इनका विद्युत पर्सनल लॉ के लिए है, इसको आप डिसाइड करो। उसमें पीएमओ पर पार्टी बनाया था, कोर्ट ने कहा कि डिलीट दी रिस्पॉन्ड नंबर 2 पीएमओ, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ वगैरह सब थे। अब हमने सर्टिफाइड कॉपी लेके सारे एमपीज को लिख दिया और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ को भी कंसल्ट किया, आफ्टर 6 मंथ उसका कोई रिजल्ट नहीं आया, हमारे प्रेजेंटेशन डिसाइड ही नहीं हुआ। अब वो साहब गिर रहा है मेरे पास, बोले साहब नहीं हुआ, आप क्या करना है? मैंने कहा करते हैं कुछ, तो ये कहे कंटेम्प्ट लगाओ, कंटेम्प्ट तो बनता नहीं है, जो वकील के थ्रू आए थे, मैंने कहा सर एक लाइन का 2 लाइन का ऑर्डर है, इसमें कंटेम्प्ट तो नहीं बनता है, बट हम फाइल करते हैं। मैंने आइए फाइल कर दी कोर्ट में फर्दर डायरेक्शन के लिए। कोर्ट के बाद मैटर गया, कोर्ट ने भी फाइल जो थी ना, मैं आपको बताऊँ फाइल मुझे पता नहीं पड़ा था नहीं पड़ा था, कोर्ट कहती फर्स्ट क्वेश्चन उसका यह था भाई फाइल इंटरप्रिटेशन। मैंने कहा लॉर्ड सर आई एम नॉट फाइल माय कंटेंप्ट, बट आई फाइल माय डायरेक्शन, आइए दे हैव नॉट डिसाइडेड माय रिप्रेजेंटेशन टिल लेट, सो काइंडली यू डायरेक्ट देम अगेन। उसी कोर्ट में कोर्ट ने मेरी रिट पिटीशन डिस्पोज ऑफ कर दी, बट आइए में आज तक हिस्ट्री में नोटिस नहीं हुआ, तो मेरी फर्स्ट आइए में साहब इश्यू नोटिस किया कोर्ट ने और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को अपॉइंट किया, काइंडली लुक इनटू द मैटर। कोर्ट ने उसके 2 हफ्ते बाद रिप्लाई मांगा, रिप्लाई दिया, उसके बाद 4 हफ्ते बाद मतलब तो 2 महीने बीत गए, कोर्ट ने डायरेक्ट किया और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने बकायदा अपने रिपोर्ट में बोला वी हैव रेफर द मैटर टू द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड अदर डिपार्टमेंट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ। तो सब मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें बहुत क्लेवर वर्क करना है, यदि मैं वहीं लड़ पड़ता है मेरी पिटीशन डिसाइड करो, यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑलरेडी चल रहा था, आपको क्या जरूरत थी इस पिटीशन को फाइल करनी। सब मैं कह रहा हूँ कि हमें कानून के दायरे में ही रह के काम करना है। रिव्यू पिटीशन वही फाइल करता है जो पार्टी होता है। अभी मैं और डॉक्टर साहब यही चेक कर रहे थे कि पार्टी कौन कौन है, कोई और भी पार्टी है क्या? उसमें चेक किया तो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र पार्टी है और वो जो कंप्लेनेंट है वही पार्टी है। आप कोई पिटीशन फाइल करते हैं, मैं बताता हूँ ऐसा नहीं, रास्ता है, बहुत सारे रास्ते हैं हमारे पास। बींग एज ए सिटीजन ऑफ द कंट्री, बींग एज अ बिलोंग्स टू दैट शेड्यूल कास्ट पर्सन, हमारा स्टेक वहाँ पे था, हमारा स्टेक का था और हम वहाँ पार्टी नहीं थे, हम वहाँ नहीं होते हुए हमारा मैटर कैसे डिसाइड कर दिया कोर्ट ने? बस क्या हम थे नहीं वहाँ पे, हमारा मैटर हमारे गेज में डिसाइड हो जाता है। इसके रास्ते बहुत सारे हैं सर, मैंने डिस्कस किया अभी, हमारे पास रिट भी है, हमारे पास दूसरे उसके तरीके भी मैंने आपको डिस्कस किया। तो ऐसा नहीं है कि हमारे रास्ते बंद हो, रास्ते बंद नहीं होते, कभी बंद नहीं होते। आगे मान को जुर्म में आप संविधान एक ऐसी चीज है कि आपको गर्व होगा आज की डेट में पहले हमारे सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता नहीं थे, आज हमारे अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट में मैं तो समझता 25 की संख्या में है ऑलरेडी और अच्छे धुरंधर है, ऐसी बात नहीं है, बहुत ही धुरंधर है, बहुत ही लड़ाई लड़ते हैं विधान तरीके से और कई सारे ऑर्डर में आपको बताऊँ, कई सारे जैसे कहते हैं ना शेर के मुंह से निवाला निकाल लाना, ऐसे ऑर्डर आपके सामने आए, उसी का नतीजा है कि आपके इतने लोग आप इकट्ठे हैं, हमें भी आते हैं, आप लोग मेरे लिए प्रेरणा होता, क्योंकि आप ही लोग बताते हो समस्या है और मैं समझता हूँ बाबा साहब की देन है कि सुप्रीम कोर्ट में हम 25 अधिवक्ता हैं और
पिछले 60 साल के इतिहास में बाबा साहब की एक फोटो तक नहीं थी सुप्रीम कोर्ट में। 2015 में हमने प्रयास करके एक बड़ा सा पोर्ट्रेट लगवाया इसको देखते हुए वो एक ऐसी मिसाल बनी है कि महाराष्ट्र बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी एक फोटो लगवाई है। और उसी को ध्यान में रखते हुए आपको बताऊं मैं कि अभी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक जियो सर्कुलर जारी हुआ कि हर कार्यालय में बाबा साहब की फोटो, हर कार्यालय में बाबा साहब की फोटो। देखो कुछ कार्य हमें जो है, देखो हमें लड़ाई क्या, मेरा क्या मानना है, देखो मैं बहुत ही मध्यम मार्ग का व्यक्ति हूँ, मध्यम मार्ग को लेके चलता हूँ। हमें हमेशा जो है उनके हथियार को, देखो हो सकता है वो एग्रेसिव कर रहे हो, हमें एग्रेसिव में आकर कुछ गलत कार्य भी कर सकते हैं, तो हमेशा हम एकदम मध्यम मार्ग अपनाइए। इसका रास्ता निकल, ऐसा नहीं है रास्ता नहीं निकलता, जरूर है, बट उसके लिए मंथन की आवश्यकता है। हम जितना मंथन करेंगे साहब उतने ही अच्छी चीज निकल के आएगी। और आपको पता है कि वकील तो पुराने वाले हैं, बड़े बड़े वकील हैं, वो इंटरप्रिटेशन का काम रखने से और कुछ नहीं है। आपका जो रिजर्वेशन प्रमोशन है, सर्विस मैटर में, सर्विस मैटर की ऐसी चीजें हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी अवेलेबल है बट इंप्लीमेंट नहीं कर रहे, क्या करोगे आप? डाटा की बात करते हैं, डाटा दी तो कहते हो गलत डाटा दिया आपने, अब कहाँ जाओगे? बट उसका तरीका ऐसा, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि साहब रास्ते बंद नहीं है, रास्ते भी खुले हैं, मंथन की आवश्यकता है, मंथन करके कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। और ये जो जजमेंट का कुछ नहीं, जजमेंट का मैंने पहले बताया, जजमेंट से पहले 3 years का ऑलरेडी जजमेंट है, तो जब लागू में जजमेंट है ऑलरेडी है, ये 2 years का बेंच का जजमेंट जो आपकी मैं बता दूंगा आपको, नागेश्वर साहब का जजमेंट है 2015 का, मैं आपको सबमिट करूँगा। थैंक यू जानकारी दी। साहब ने वकील साहब का नाम दिया राहुल मोड़, वो लड़का मेरे पास, मेरा एसोसिएट है वो मेरा लड़का 2-3 महीने पहले आया, सर ऐसी बात चल रही है। मैंने कहा बिल्कुल यार, हमने उसने बच्चे ने पूरा सपोर्ट किया, सबको बताया, और मैंने भी कुछ अपने पर्सनल लेवल पे लोगों को बताया कि सर ऐसा मैटर चल रहा है, कुछ एक्शन लेना चाहिए। अब पूरी पब्लिक जो सोती रही, अब मैं आपको बताऊँ पब्लिक क्या कहती है, सर आप भी तो वकील हो, आप भी तो कर सकते हो। सर जरूर वकील है, बट हम वकील यदि कोर्ट में केस फाइल करते अपने नाम से ना, कोर्ट कहती है यू आर मिसयूजिंग द नॉलेज ऑफ द लॉ, हमें वकालतनामा चाहिए होता है। और हमने ये भी सबमिट किया था कि हमें कोई फीस की आवश्यकता नहीं है, इसमें कोई लीगल फीस देने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ ये वकालतनामा एक एफिडेविट दे दो, बाकी लड़ाई लड़ेगी। समाज कोई जात के नहीं आया सामने, कोई जात के नहीं बता रहा आपको, और सुनो और सुनो, अभी सर्विस मैटर में दिल्ली हाईकोर्ट जजमेंट आया 23 अगस्त 2017 का, वो डीओपीटी पहले तो स्टेट में खत्म किया उसने, उसके बाद डीओपीटी ने सर्कुलर कर दिया कि उनको डिमोट करो जी, वहां भी आप पार्टी नहीं थे, उसने आपके अगेंस्ट में कर दिया फैसला। अब इतनी संस्थाओं मीटिंग हुई है, अभी सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग है। क्या मैटर पेंडिंग है? रिजर्वेशन इन प्रमोशन। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, रिजर्वेशन प्रमोशन इशू में उसको लालन पंच को भेज दिया क्रिमिनल लेयर इशू को लेकर। क्रिमिनल लेयर मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने भी मीटिंग बहुत सारी की होंगी, बट आज तक सर, आज तक हमारी ओर से एक क्रिमिनल लेयर इशू को लेकर पटिशन फाइल नहीं हुई है। और एक राजस्थान की संस्था है सत्ता आंदोलन, सत्ता आंदोलन, उसने क्या किया, उसको मौका मिला, कार्य सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि क्रिमिनल लेयर लगना चाहिए, उसने फाइल कर दिया कि हाँ जी लगना चाहिए। हम ये नहीं बोल पा रहे हैं साहब क्रिमिनल लेयर इज नॉट एप्लीकेबल ऑन SC ST ऑन द ग्राउंड ऑफ इंदिरा साने एंड अदर सम सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स। हमने किसी ने बात नहीं की, हम तो रिजर्वेशन प्रमोशन की बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं जानकारी सब रहती है, पर पब्लिक आज जो आप जागे हो ना, हो सकता है 2 महीने पहले जाते नॉवल ना आते, हम इंटरवेंशन आराम से बन सकते थे उसमें। हम अपनी IA जो है अपनी एसोसिएशन से किसी व्यक्ति के थ्रू एक IA फाइल कर देते, हम पार्टी थे उसमें, आज हम रिव्यू फाइल कर सकते। अच्छा ये मैं ये सुप्रीम कोर्ट रूल बोल रहा है, कंस्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलता है कि रिव्यू कौन फाइल करता है, रिव्यू की महत्ता कितनी है। बिल्कुल सर जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं सर, सब जानते हैं, सब जानते हैं, हम लोग कर सकते हैं। आपको मेरा आप वोट ले लीजिए, 10,000 रुपये भी दूंगा, आप लोग करिए टेस्ट क्लियर। आपको ये जान के घर होगा, आज का हमारा वकील है ना, सब तैयार बिल्कुल बहुत बढ़िया, जानकारी कैसे आई बाबा साहब संविधान जो
तो आई है, हमें गर्व महसूस करना चाहिए।